तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस मोड येट विद अनदर गुड वीडियो। गाइस आज फ्राइडे है और सुबह से काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है। यू कैन नॉट बिलीव यूएई में मतलब सुबह से अभी तक बादल है, बारिश तो मुश्किल है कि हो जाए और हवा भी सैंड स्ट्रॉम टाइप है, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा है। तो मैं तो दो तीन दफ़ा आज निकला, आउटिंग आज नहीं की क्योंकि यू नो गाइस इस मौसम में आप लोग सिर्फ मॉल तक ही महदूद रह सकते हैं, मॉल जा सकते हैं इतना, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे यहाँ इतने फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड सर्कल मेरी बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड सर्कल मीन लाइक के कोई आए और तुम्हें फ़ोन करे कि लेट्स गो गाड़ी तैयार है बस नीचे आ जाओ चले, तो वो चीज़ बिल्कुल भी यह मेरी नहीं है फ्रेंड सर्कल, इस वजह से सिर्फ फैमिली है तो उस उनके साथ ही ज़्यादा टाइम फ्राइडे उनके साथ ही गुजरता है। लेकिन आज वाइफ का भी मूड नहीं था और मेरा भी मूड नहीं था बाहर जाने का, तो आज पूरा दिन घर पे ही गुजरा। सिर्फ अभी मैं आया हूँ, गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि वीकली सिर्फ मेरी गाड़ी स्टार्ट होती है क्योंकि मेरी जॉब नज़दीक है तो गाड़ी, लेकिन गाड़ी के बगैर भी मुश्किल है। तो आज काफ़ी अच्छा मौसम है और मैं बस इधर आया हूँ, लेकिन बाहर खड़े होना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सैंड स्ट्रॉम है और काफ़ी मतलब सैंड उड़ रही है, तो मतलब उससे फिर आंखों में चली जाती है, काफ़ी इरिटेशन होती है। तो गाइस दो तीन दिन पहले से ऐसे सीन था, मैंने जो लास्ट वीडियो आपको मैंने दिखाई थी जो मैंने अपलोड की थी अबाउट ट्राइसेप एंड बाइसेप, वो काफ़ी अच्छा वर्कआउट था। लेकिन गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट नाइट को मुझे अपने लेफ्ट चेस्ट और लेफ्ट हैंड में काफ़ी पेन फील हो रहा था, तो आई वाज वरीड के व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो मुझे शक था कि मस्कुलर पेन है, लेकिन वो कभी स्टॉप हो जाता था कभी स्टार्ट हो जाता था। तो यू नो कभी कभी बंदा टेंशन में आ जाता है, क्यों? क्योंकि जब वेट इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि मेरा भी वेट काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, तो हर चीज़ बंदा फिर चेक करना चाहिए अपनी बॉडी किस कंडीशन में है, क्योंकि आई एम नाउ 32 ईयर्स, तो मतलब कंडीशन चेक करनी चाहिए। तो मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किया, कोलेस्ट्रॉल वॉज परफेक्टली फाइन और शुगर एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन, तो काफ़ी रिलैक्स हो गया। लेकिन नाइट को भी मुझे एकदम से बॉडी हीट अप हो जाती थी और पेन स्टार्ट हो जाता था, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये मस्कुलर पेन है, कोई इशू नहीं है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है तो फिर उसको क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी होता है, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो वो आपको काफ़ी मतलब टेंशन देगा। तो कल सुबह सुबह वर्कआउट से पहले ही मैं यहाँ पे हमारे पास एक क्लिनिक है उधर चला गया एंड मैंने बोला मुझे ईसीजी करानी है, ईसीजी मैंने करा दी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह ईसीजी वाज परफेक्टली फाइन एंड आई वाज परफेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी। तो वो जैसे ही वो क्लियर हो गया तो मेरी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई। और यू नो मैं आपको एक चीज़ गाइस बता दूं, क्योंकि जब आप जिम में होते हैं और हैवी लिफ्ट करते हैं तो काफ़ी जो यंग होते हैं बिगिनर्स होते हैं वो आपको अगर आप हैवी वेट लगाते हैं तो टू बी वेरी केयरफुली वेट लगाया करें, क्योंकि बास टाइम ऐसे होता है कि वो लोग आपको ऐसे देखते हैं जो बैड आइज़ होते हैं, आपको ऐसे ऐसे देखते हैं कि ये कैसे उठा रहा है। तो उस दिन भी मेरे साथ कुछ सीन हुआ था, एक बंदा था वो काफ़ी कभी आगे से खड़े होकर देख रहा था, तो किसी को बोल नहीं सकते यार क्यों देख रहे हो, क्या है क्या नहीं है, लेकिन वही चीज़ हुई। और लेकिन एनी हाउ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखें वाइल लिफ्टिंग हैवी, क्योंकि गाइस ये वेट है, लोहा है, ये आपको मतलब कोई भी इंजरी दे सकता है। तो कल से मैं फिर मैंने मेडिसिन यूज़ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह टुडे काफ़ी बेहतर है। तो इस चीज़ का मतलब सिर्फ इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि अगर आप मतलब देखें, अगर आप नेचुरल है तो कुछ भी नहीं होगा, आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी रहेगी।
और अगर आप एनहांसमेंट ड्रग पे होंगे तो फिर लाजिम आपको अपने बॉडी टेस्ट आगे पीछे हर 3 महीने के बाद अपने बॉडी कंडीशन को देखना होगा, क्योंकि गाइस अगर आप एनहांसमेंट ड्रग यूज़ करते हैं तो वो आपके हार्ट को, आपके लिवर को, मेनली लिवर को काफ़ी डैमेज करता है, किडनीज को काफ़ी डैमेज करता है, तो उन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा। 3 मंथ्स के बाद अपना टेस्ट वगैरह जो ज़रूरी टेस्ट है वो लाजिम किया करें, जैसे लिवर का हो गया, क्रिएटिनिन अपना चेक करें, और मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह हर चीज़, क्योंकि आपकी बॉडी अगर हेल्दी होगी तो इट विल बी मच बेटर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की, लेकिन फिर भी मतलब अपनी बॉडी को काफ़ी केयर, क्योंकि मैंने ये चीज टेस्ट इसलिए किया क्योंकि जब आप हैवी हो जाते, बल्किंग में आ जाते तो आपकी बॉडी पे फैट्स भी आ जाता है, और फिर आपको टेंशन भी हो जाती है कि कहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि मेन चीज़ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो फिर आपको हार्ट प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो मेन चीज़ वही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वॉज क्लियर एंड आई एम फिट हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये एक छोटा सा रेंडम मैसेज था, I hope you enjoy the message, और अपने हेल्थ का खास ख्याल रखें, lift safe, eat healthy and stay focused and keep watching Fitness Mode. See you soon and God bless you all.